देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में और राहु मेष राशि में प्राकृतिक पदार्थ नशा इत्यादि करते हैं तो सतर्क सा मान सम्मान तरक की पदोन्नति की स्थिति भी बन रही है। नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि का मासिक राशि फल फरवरी 2023 को लेकर। कैसी ग्रह गोचर स्थिति बन रही है कुंभ राशि के जातकों की इस फरवरी के माह में, क्या क्या लाभ आपको देखने को मिलेंगे, कहां आपको सतर्क सावधान रहना है, ग्रहों की संपूर्ण फरवरी के माह में कैसी चाल रहेगी, संपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति का हम विश्लेषण करेंगे और बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य की, आर्थिक स्थिति की, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय की, क्या क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं, कौन सी तारीखें फरवरी की आपके लिए सर्वश्रेष्ठ व लाभप्रद तारीखें रहेंगी, कौन सी तारीखों में आपको सतर्क सावधान रहना है, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशि फल के अंदर करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें यह राशि फल मून साइन से तैयार किया गया है, चंद्र कुंडली से, तो इसको सन साइन या लग्न से न देखें, मून साइन से ही देखेगा। सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं कुंभ राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण फरवरी के माह में कैसी ग्रह गोचर स्थिति कुंभ राशि के जातकों के लिए बन रही है। कुंभ राशि का जो स्वामी है शनिदेव है, कुंभ राशि के अंतर्गत ही संचरण कर रहे हैं। सस नामक पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र भी कुंभ राशि के अंतर्गत ही स्थित है लग्न में। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में द्वितीय भाव धन भाव में संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव मकर राशि के अंतर्गत व्यय भाव में स्थित है। बुधदेव धनुराशि के अंतर्गत लाभ भाव में रेगुलर इनकम के हाउस में स्थित है। मंगल वृषभ राशि के अंतर्गत फोर्थ हाउस में चौथे भाव में स्थित है और राहु मेष राशि में पराक्रम के भाव में तीसरे भाव में, जबकि केतु तुला राशि के अंतर्गत भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा की बात हम अंत में करेंगे। एक स्थिति कुंभ राशि के जातकों की इस तरह की बन रही है, इस ग्रह गोचर स्थिति में तीन ग्रह बदलाव करने वाले हैं फरवरी के माह। तो पहला बदलाव होगा बुधदेव का, 7 फरवरी 2023 को बुधदेव राशि प्रवर्तन करेंगे, धनु राशि को छोड़कर के मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपको मकर राशि में देखने को मिलेगा व्यय भाव में। 13 फरवरी को सूर्यदेव का राशि प्रवर्तन, सूर्यदेव मकर राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र शनि सूर्य तीन ग्रहों की होती है आपके लिए लग्न में ही बनेगी कुंभ राशि के अंतर्गत। और 15 फरवरी को शुक्रदेव का राशि प्रवर्तन होगा, शुक्रदेव कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी उच्च राशि के अंतर्गत स्थित होंगे और देवगुरु बृहस्पति के साथ शंख नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। ये आपकी संपूर्ण फरवरी माह की ग्रह गोचर स्थिति है। इस ग्रह गोचर स्थिति के भी सबसे पहले हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फरवरी का माह मिश्रित प्रभावशाली रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए। 7.5 का प्रभाव भी रहेगा, शनिदेव की सप्तम दृष्टि सातवें भाव पर भी बनेगी और देवगुरु बृहस्पति व शुक्र की नीच दृष्टि आठवें भाव पर भी बनेगी। ऐसी स्थिति में 15 फरवरी तक अच्छी स्थितियां बनेंगी। 15 फरवरी के पश्चात कुछ मामलों में सतर्कता सावधानी जरूर बरतें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको सबसे पहली प्राथमिकता सात्विकता से ही रहना है, सात्विक आहार ही ग्रहण करें। मद्य पदार्थ नशा इत्यादि करते हैं तो सतर्क सावधान रहिएगा और हर शुक्रवार को कुछ ना कुछ श्वेत वस्तुओं का दान करना आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। तो स्वास्थ्य के मामले में सतर्कता जरूर बरतेगा। आपकी नौकरी व्यवसाय की बात करें तो 10वें भाव के स्वामी मंगलदेव बनते हैं। मंगलदेव फोर्थ हाउस में स्थित है चतुर्थ भाव में और चौथे भाव से सातवें दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं। अनिश्चित ही लाभप्रद स्थिति जरूर बनी हुई है, कुंभ राशि के जातक हैं, अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ऐसे जातक जो प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, जो जातक सरकारी सेवाओं में हैं, उनके लिए विशेष लाभ देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं मान सम्मान तरक्की पदोन्नति की स्थिति भी बन रही है और स्थानांतरण के योग भी कुंभ राशि के जातकों को इस फरवरी के माह में देखने को मिलेगी। अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा संपूर्ण फरवरी में आप नौकरी करते हैं या अपना व्यवसाय करते हैं, क्रोध करने से बचिएगा, चिड़चिड़े होने से जरूर बचिएगा और जल्दबाजी करने से बचिएगा। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें, संयमता से कार्य करेंगे, निश्चित ही लाभप्रद स्थितियां कुंभ राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति के स्वामी
देव गुरु बृहस्पति आपके लिए बनते हैं, जो कि धन भाव में अपनी दूसरी राशि में मीन राशि में स्थित है। और यहाँ पर बुध देव की स्थिति है प्रथम सप्ताह 7 तारीख तक बुध देव यहाँ पर संचरण करेंगे, उसके उपरांत राशि प्रवर्तन करेंगे। तो प्रथम सप्ताह विशेष लाभ होने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, आप शेयर मार्केट सट्टा लोटे इत्यादि का कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं अचानक से लाभ देखने को आपको जरूर मिलेगा। ऐसे जातक जो मार्केटिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब तक बुधदेव यहाँ पर रहे तब तक ही आप इसका लाभ ले पाएंगे। जैसे ही बुधदेव व्यय भाव में जाएंगे वहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। देव गुरु बृहस्पति और शुक्र का शंख निनाद भी हो रहा है धन के भाव में, इनमें पारिवारिक सुख आपको प्राप्त होगा, परिवार की ओर से आर्थिक मदद आपको मिल सकती है, और कोई पैतृक संपत्ति थी तो उससे भी बड़ा लाभ आपको हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति के मामले में अच्छी स्थिति बन रही है, भाग्यशाली आप रहने वाले हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूर लगाइएगा। सूर्य और बुध व्यय भाव में भी स्थित है, ऐसी स्थिति में जातक अनावश्यक खर्चे कर डालते हैं, जो किसी काम के खर्चे नहीं है ऐसे ऐसे खर्च आप कर देते हैं, तो इस आदत से जरूर बचिएगा। स्टूडेंट्स यहां मेहनत करने की आवश्यकता है, पूरा जोर लगा दीजिएगा, मेहनत और परिश्रम से आगे बढ़ने की सोचिएगा, किसी भी शॉर्टकट तरीके से बचिएगा। चंद्रमा की बात करें तो मित्रों चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है, चंद्रमा 2 से 2.25 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं उनमें अत्यंत शुभता होती है, लेकिन जब वो क्रूर ग्रहों के साथ होते हैं, कभी कभी 6, 8, 12 भाव में होते हैं, तो वहां नकारात्मक स्थिति भी पैदा करते हैं। और इसीलिए हम सबके जीवन में 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन ऐसे अवश्य होते हैं जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, किसी न किसी प्रकार की चिंता, शारीरिक थकावट, घर में हो या कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं कला कलेश का वातावरण हमें देखने को मिलता है। कौन सी ऐसी तारीखें कुंभ राशि के जातकों के लिए बन रही हैं जिनमें आपको सतर्क सावधान रहना है, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताएंगे आपको शुभ तारीखें। तो फरवरी माह की 1, 2, 6, 7, 15, 16, 19, 20, 26, 27 और 28 फरवरी कुंभ राशि के जातकों के लिए लाभप्रद तारीखें रहेंगी, शुभ तारीखें रहेंगी। निश्चित ही इन तारीखों में अच्छा लाभ आपको मिलेगा। वहीं 4, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 24 और 25 फरवरी आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। फरवरी का माह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ माह हो, लाभप्रद माह हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और ज्योतिष से संबंधित तो व्यक्तिगत जानकारी यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।